सुरभि चन्ना, जी हाँ सुरभि चन्ना के बारे में बताऊंगी अपने आज के इन्फॉर्मेशन कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं या कौन से आने वाले हैं। तो चलते हैं फिर बिना किसी लंबी बहस के अपने आज के इस टॉपिक पर। गाइस अगर मैं सुरभि चन्ना के बारे में बात करूं तो उनके अगर सीरियल के बारे में बात करूं तो ये सबको पता है कि इश्क बाज़ सीजन 1 में सुरभि चन्ना ने अनिका का किरदार निभाया था और लोगों ने डिमांड की थी कि सुरभि चन्ना को इश्क बाज़ 2 में भी देखना चाहते हैं। तो गाइस यही है न्यूज़ कि इश्क बाज़ सीजन 2 आ रहा है जिसमें हमें सुरभि चन्ना नजर आएंगी। जी हाँ ये कंफर्म न्यूज़ है कि जिसमें हमें सुरभि चन्ना इश्क बाज़ सीजन 2 में नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं सुरभि चन्ना के सॉन्ग्स के बारे में बात करूँ तो जी हाँ सुनने में आ रहा है कि इनके पास 2-3 सॉन्ग्स की ऑफर भी गई हैं लेकिन अभी तक सुरभि ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। जी हाँ क्योंकि फिलहाल वो अभी बिजी हैं अपने किसी वजह से, अपने किसी काम की वजह से वो पहले ही बिजी हैं, इसलिए वो फिलहाल वो इस 2-3 सॉन्ग्स को पेंडिंग में रखी हुई हैं। अगर बेकर्स इंतजार कर सकते हैं तो वो करेंगे सुरभि का, अगर उनके पास टाइम नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है किसी और को ले लेंगे। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि इनके पास 2-3 सॉन्ग्स की ऑफर गई हुई है और अभी तक उन्होंने इस सॉन्ग के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। जी हाँ और ये भी सुनने में आ रहा है कि सुरभि चन्ना हमें खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी नजर आ सकती है लेकिन इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इसलिए सिर्फ सुनने में ही आ रहा है कि शायद हमें सुरभि चन्ना खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आ सकती हैं। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कि सुरभि चन्ना हमें खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आएंगी या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इश्क बाज़ सीजन 2 में अनिका यानी कि सुरभि चन्ना को देखने के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं कि सुरभि चन्ना इन सॉन्ग्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लें तो मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।